गाइस वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। सुबह के बज रहे हैं 6:50। मैं आज के सुबह सुबह मतलब नाइट शिफ्ट ऊपर करके स्नान वगैरह करके रेडी हूँ, बैडमिंटन खेलने जा रहे हैं। चलते हैं, कोर्ट पे मिलते हैं। पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा और गाइस इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। गाइस सुबह सुबह आ चुके हैं, डस्टबिन में कूड़ा डालना था इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर, और बस अच्छा खासा सुबह सुबह मौसम हुआ है, काफ़ी अच्छी धूप दिख रहा है। बट अच्छी बात ये कि हल्का हल्का हवा भी चल रहा है, ठंडा ठंडा जैसा मौसम हुआ है अभी। गेम ओवर हो चुका है, थोड़ा जल्दी हो गया, 8:15 ही हो गया, बट जितना भी खेला भाई काफ़ी तो मौसम आज साथ दे रहा है, धूप नहीं हो रहा कस के। सो गाइस फाइनली रूम के अंदर आ चुके हैं, 9:15 का मैं, और आते समय थोड़ा सा नाश्ता का जुगाड़ करते आया हूँ। पहले चलते थोड़ा फ्रेश होते हैं, काफ़ी गर्मी है, उसके बाद नाश्ता वगैरह करके रेस्ट करेंगे। सो जी फ्रेश हो चुके हैं और ब्रेकफास्ट के लिए रेडी हैं। जी ये जैसा कि बोल रहा था मैं लेते आया था, ये कचौड़ी था और ये आलू का सब्जी है, मतलब कचौड़ी का जो मिलता है तो कचौड़ी आलू। तो मैं चलता हूँ अपना लंच करता हूँ और उसके बाद थोड़ा रेस्ट वगैरह करेंगे। सो गाइस अभी शाम के 6:30 हो रहे हैं और ये खतरनाक मौसम बन चुका है। पूरे बादल काले, पूरे काले बादल छा गए एकदम, लग रहा भयंकर बारिश आएगा। थोड़ा थोड़ा बूंदाबांदी शुरू हुआ है। तो दोपहर में मैं सो गया था करीब 12:30 करीब, और अभी थोड़ा देर पहले 6:00 के करीब उठ गया था। वही उठा तो देखा कि अचानक से बारिश बहुत तेज आने लगा, मतलब मौसम बहुत खराब हो गया, हवा तेज चल रहा था ना, इसलिए बारिश तो शायद आ ही जाएगा। बीच बीच में बादल भी गरज रहे, सो गाइज अभी 6:45 हो चुके हैं और मैं फ्रेश हो चुका हूँ, अब थोड़ा अच्छा फील हो रहा है और बारिश हो रहा है, थोड़ा बैकग्राउंड में आवाज आ रहा होगा आपको, धीमे धीमे हो रहा है लेकिन हो रहा है। और फिलहाल मैं लंच नहीं बना पाया, ब्रेकफास्ट करके मैं 1-2 घंटे बस हो गया था, उसके बाद से अभी मैं थोड़ा हल्का फुल्का कुछ स्नैक्स के रूप में चाय पी रहा हूँ और एक मैंने पापड़ रोस्ट पी लिया। तो अपने पास ये पापड़ है जो रोस्ट कर लिया हूँ एंड चाय है, तो ये फिलहाल मैं चाय पीता हूँ और फिर थोड़ी देर में थोड़ा बारिश कम होगा, कम तो है बट बंद हो जाएगा तब निकलेंगे। शाम को करीब 7-7:30 के बाद देखते हैं, मौका मिलेगा तो हम बाहर निकलेंगे। फिलहाल गाइज मिलते हैं आपसे। तो गाइज फाइनली बाहर आ चुके हैं शाम के 7:30 पे। एक्चुअली थोड़ा ब्लॉग अपलोड कर रहा था, आज वाला अपलोड नहीं होता, अपलोड में लगा दिया है, थोड़ी देर में लाइव हो जाएगा। सो चलते हैं कुछ खाते हैं, पौने 8 हो चुका है, हल्का फुल्का कुछ लेते हैं, मोमोज ट्राई करते हैं आज। तो मिल गया आपका मोमोज, हो गया मोमोज खा लिए, थोड़ा इधर उधर घूमते हैं फिर चाय वगैरह, चाय वाली दुकान पे आ गए चाय पीने के लिए। तो चाय पी के थोड़ा मॉल वाले रोड पे आ गए, ये रोड जाता है मॉल की तरफ, तो थोड़ा इधर ही आज टहल लेते हैं, कल से मौका नहीं मिलेगा, कल से अपना रोड मॉल रोड है सामने, आगे जाके तो आगे जाके मॉल है बोकारो मॉल, ये दिख गया होगा। तो इधर ही 5 मिनट बैठते हैं यहाँ पे मॉल वाले रूट पे, 2-3 मिनट बैठेंगे जाने में, उसके बाद आगे चलेंगे। एक्चुअली बोर हो रहा था मैं काफ़ी दिन से, मतलब कहीं निकला नहीं ना, पटना के बाद कहीं गया नहीं हूँ घूमने के लिए, तो प्लानिंग करते हैं फिर निकलेंगे, और फिलहाल थोड़ा देर बैठते हैं यहाँ पे। सो गाइज 8:30 हो चुके हैं और मैं मॉल वाले रोड पे ही चल रहा हूँ, थोड़ा आगे गांधी चौक तक जा रहे हैं और कुछ ऐसा रास्ता है, अभी थोड़ा सुनसान है बट अच्छी फीलिंग आ रही है, अच्छी वाइब आ रही है, सुनसान रोड मतलब लाइट नहीं इसलिए सुनसान लग रहा है, अभी तो 8:30 बजे, तो आगे तक चलते हैं
थोड़ा लाइटिंग कम है इधर, इसलिए ऐसा व्यू आ रहा है। बट ये सब रोड लाइट जल जाएगा ना तो काफ़ी अच्छा लगेगा। फिलहाल कुछ लाइट नहीं चल रहा है, बाकी तो जल ही रहा है। मैं ऐसे ही निकल गया था रूम से, काफ़ी बोर हो चुका हूँ, तो सुबह से रूम में ही था, मतलब बैडमिंटन खेल के आने के बाद सो गया। तो मैं निकल गया थोड़ा इधर, जैसा कि पहले बताया था आपको, थोड़ा सा रूम में रहते रहते काफ़ी बुरी सी हो रही थी, तो आ गए इधर। कहीं जाने का नहीं दिख रहा था तो मैं आज इधर ही आ गया, काफ़ी दिन बाद आया इस रोड पे। गाइस अगर आप पहली बार आए चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। और फिलहाल आगे निकलते हैं थोड़ा दूर तक। चास चास के लिए बैठा रहे हैं ऑटो वाले भी, और मेरे को चास थोड़ी जाना है। तो गांधी चौक पहुँच चुके हैं, यहाँ से मुड़ जाएंगे थोड़ा लक्ष्मी मार्केट की तरफ, मतलब एलआईसी मोड़ की तरफ। और ये वाला जो रोड है चला जाएगा सिटी सेंटर की तरफ, वाला रोड सिटी सेंटर में चला जाएगा। तो मैं काफ़ी दूर से आ रहा हूँ, ये आगे जाके लेफ्ट लेंगे तो नया मोड़ होते हुए निकल जाएगा स्टेशन की तरफ। तो आज अच्छा इवनिंग वॉक हो गया, वैसे ज़रूरत नहीं था फिर भी। सो गांधी चौक यही है, ये वाला जा रहा है नया मोड़ की तरफ। तो चलते चलते आ चुके हैं मजदूर मैदान की तरफ, जहाँ पे मेला लगता है ना, मेला लगा हुआ है हैंडीक्राफ्ट वाला। हैंडीक्राफ्ट एक्चुअली मेला वो 16 जुलाई तक ही लगने वाला था, बट अभी देख रहे हैं कि तो यहाँ मजदूर मैदान के पास जो मेला लगा हुआ है वहीं पर थोड़ा देर देखते हैं। अंदर तो फिलहाल नहीं, क्योंकि ब्लॉगिंग अंदर की वीडियो बना चुके हैं, चैनल पे अपलोडेड है, देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो वहाँ देखते हैं कब तक और रहेगा, पता करते हैं। सो मजदूर मैदान में आ चुके हैं, पता करते हैं मेला और कितने दिन रहेगा। सो गाइस ये दूसरा मेला लग गया है, सो दिस हस्तशिल्प मेला। तो ये वाला ब्लॉग इस ब्लॉग के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, देख लीजिएगा। फिलहाल चलते हैं थोड़ा ब्लॉगिंग करके आते हैं अंदर से। तो गाइस आ चुके हैं हस्तशिल्प मेले से बाहर, और ये वाला दूसरा मेला था, थोड़ा बहुत दुकान पहले वाला था, लेकिन ये एक्चुअली बारिश आ गया इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा। और तो फिलहाल हम सब्जी मार्केट की तरफ पहुंच चुके हैं, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे रूम पे। तो हस्तशिल्प मेले वाला ब्लॉग का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। तो मैंने एक अलग से ब्लॉग ही बना दिया उसका, हस्तशिल्प मेले का। ये है सब्जी मार्केट, इसको क्या बोलते हैं, कटहल का कोवा, मीठा वाला कोवा। कैसे दे रहे हैं? 10 रुपए का पैकेट है, एक ही दे दीजिए। सो कटहल कोफ्ता ले लिया, मीठा वाला अच्छा लगता है, काफ़ी दिन बाद ट्राई करेंगे। और सब्जी तो लेना था, बट क्योंकि फिलहाल अभी खाने का व्यवस्था हो गया है इसलिए नहीं ले रहा है, कल की कल देखा जाएगा। अब डायरेक्ट आपसे रूम पे मिलते हैं। तो फाइनली रूम पे पहुंच चुके हैं, मैं लेते आया था खाना, और कटहल का मीठा वाला जो होता है कोफ्ता, कटहल कोफ्ता ऐसे कुछ होते हैं। तो फिलहाल तो मैं खाना लेके आया था, वही खाना है। तो कपड़े वगैरह चेंज करते हैं, हाथ में धुलते हैं, तो दिखाते हैं एक बार। उसके बाद तो जी फ्रेश हो चुके हैं, दिखाते हैं आपको क्या लेके आया था। तो सुबह से यही लेके आ गया था मैं, दाल बाटी, दाल है ये, बाटी है, चूरमा है, मतलब लड्डू ही होता है एक तरह का, और साथ में ये सलाद दे दिए हैं। सो गाइस आप हस्तशिल्प मेले वाला ब्लॉग देखिएगा, वैसे तो वो ब्लॉग आ चुका होगा इस ब्लॉग के पहले ही, अगर आप देख लीजिएगा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिलहाल इस ब्लॉग में इतना ही होगा, वो आपको थोड़ा बहुत पसंद आया होगा ब्लॉग, तो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, पहली बार टाइप करके बेल आइकन दबाइएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।